बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर जवाद अहमद। जे के ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो हमारी 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर का जो कनेक्शन होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, को हम कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो हमने लैन पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क, के उसमें किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं अपने इस सिस्टम को, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देन उसके एग्जांपल्स को हमने डिटेल के साथ देखा था। और आज जो हमारा आज का लेक्चर है वो है वैन, WAN, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस चीज़ को हमने आज के लेक्चर में देखना है। कोशिश करेंगे कि कम टाइम में अच्छे तरीके से आपको समझा सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन एट द टाइम वसूल होते रहें। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वाइड एरिया नेटवर्क, अ वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज एन एंटायर सिटी रीजन और इवन एंटायर कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो किसी एक घर के लिए, किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक बिल्डिंग के लिए नहीं होता, वो मुकम्मल आपके जो एरिया होता है ना कवर करता है, चाहे वो रीजन हो सकता है आपका, चाहे आपका सिटी हो सकता है, यानी छोटे से छोटा सिटी और बड़े से बड़ी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे कहते हैं वैन। ठीक है, वैन कनेक्शन ऑफन इन्वॉल्व टू आर मोर रिलेटिवली डिस्टेंट लैंड। फॉर एग्जाम्पल, अ वैन में कनेक्ट एन ऑफिस इन लाहौर विद एन ऑफिस इन इस्लामाबाद। इट इज़ द जियोग्राफिक डिस्टेंस दैट मेक्स इन नेटवर्क ए वैन। इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। अब देखें कि जो हमारा लैंड था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर, एक लिमिटेड उसकी जो कवरेज होती है, एरिया कवरेज होती है, ठीक है। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये आप एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आप इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका इंटरनेट है, जो अपने हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम लाहौर की किसी ऑफिस को फैसलाबाद के ऑफिस के साथ कनेक्ट करना है, तो जो जियोग्राफिक डिस्टेंस बहुत बनता है, लेकिन ये क्या, ये इंटरनेट के ज़रिए से बिल्कुल एक कम डिस्टेंस लगता है, लगता है कि जैसे डिस्टेंस है ही नहीं, जैसे कुछ चीज़ पास पड़ी है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की मदद से आपका जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये काम करता है। जितना आपका इंटरनेट फास्ट हो, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो है ना वैन जो नेटवर्क है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि अगर आपने कोई इंटरनेट पर साइट सर्च की है, ठीक है, मेरे फर्ज आपने किसी और यूनिवर्सिटी का आपने सर्च कर लिया, जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी है, किसी और मुल्क की है, किसी और सिटी की है, तो आपने अगर एडमिशन करने, तो आजकल ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, तमाम चीज़ें ऑनलाइन काम करते हैं, यानी इंटरनेट पे काम होता है। तो आप बैठे हैं पाकिस्तान में हैं और आप स्टडी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, वैन के थ्रू। जो वैन की जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है जी। अब आप देखते हैं इसके एडवांटेजेस के, इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, कि ये बड़े से बड़े एरिया को क्या करती है, कवर करती है, वहाँ पर इसकी एक्सेस होती है। इट प्रोवाइड्स मोर प्राइवेसी टू इट्स यूज़र, कि ये अपने इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, कि उनकी जो पर्सनल जो डाटा होता है, या पर्सनल चीज़ होती है, वो ज़्यादा सिक्योर रहती है। द कम्युनिकेशन ऑन वैन इज सिंपल, क्या है, वैन पर जो कम्युनिकेशन होती है, यानी जो रबता होता है आपको आपस का, वो क्या सिंपल है, सादा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज, इसका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, कि इतना ज़्यादा, ये देखिए अब देखिए दरम्यान में इंटरनेट है, ये सेंट्रलाइज वॉइस है, ये आपका क्या, ये एक मेन प्राइमरी साइट है, यानी अपने कोई भी आपने जो साइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसी और मुल्क, यानी किसी और मुल्क की, किसी और कंट्री आपकी क्या है, वेबसाइट की एक साइट है,
या आपका ये क्या लगे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपने एडमिशन लेना है, तो आप बैठे हुए किधर हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए, यहाँ पर आप बैठे हुए, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इंटरनेट से थर्ड पार्टी वेंडर्स एंड देन सेंट्रलाइज, उसके बाद ये आप यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, डाटा सेंटर पर भी हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली दरमियान में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके नुकसान क्या हैं, नुकसान इसके ये है कि इट हैज़ स्लोअर स्पीड देन लैंड के लैंड। जब देखें एक चीज़ होती है कि एक 10 चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके लैंड में, अगर अपने घर में आपने इंटरनेट यानी अपने वाईफाई रूटर लगवाए, वो आपका क्या एक लैंड है, वो एक घर के लिए है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर 10 अगर बंदे कनेक्टेड हैं तो फिर वो ज़्यादा स्पीड दे, थोड़ा स्पीड देगा, अच्छी स्पीड देगा। लेकिन जब आप वैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, ओवर द वर्ल्ड आप कर रहे होते हैं, तो फिर ये है कि फिर इंटरनेट का कभी कभार जो है ना वो स्लो भी पड़ जाता है। तो इसके लिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इट हैज़ स्लोअर स्पीड देन लैंड, इसकी स्पीड जो होती है वो लैंड से थोड़ी कम होती है, ठीक है जी। इट्स मेंटेनेंस इज एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स, कि आप अगर आपने इसकी कोई एक वायर चीज़ या इसकी जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट हो चुका है किस तरीके से, वजह से ट्रबल पेश आ रही है, तो फिर उसको जो आप मेंटेनेंस करते हैं वो एक्सपेंसिव है, इसमें एक्सपेंसिव कह रहे हो, कम्प्लेक्स है, पेचीदा है बहुत ज़्यादा, यानी इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसकी मेंटेनेंस करना। द सेटअप कॉस्ट ऑफ वैन इज़ वेरी हाई, कि अगर हमें तो वैन का सेटअप बनाना है तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, उसकी एक्सपेंसिव बहुत है, उसकी कीमत बहुत है। इट इज़ नॉट ए रिलायबल नेटवर्क, आप इस पर रिलायब नहीं कर सकते। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेज आर नीड, हाई अच्छी डिवाइसेज आपको ज़रूरत पड़ती हैं जब आप वैन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिवाइस यूज्ड इन वैन, के PST एंड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क और सेटेलाइट लिंक्स आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूजेस फॉर वैन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कॉज ग्रेटर नॉइज एंड इनएक्यूरेसी इन वैन देन लैंड, ठीक है जी। डिफरेंट डिवाइसेस दैट लाइक रूटर्स, गेटवेज, मैनेजेबल स्विचेस, मोडेम्स एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर यूज्ड इन वैन। अब जो इसका इसकी एग्जांपल है वो क्या है, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है या सेटेलाइट, इसकी क्या है कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कॉज ग्रेटर, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ज़्यादा इसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फिर ये समटाइम ये होता है कि इसकी जो कभी कहते हैं इसका वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कभी कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, यानी इनएक्यूरेसी होती है लैंड के मुकाबले में वैन के। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस लंबी फायर जो एक अगर आप जैसे पहले आपको मैंने बताया कि आपने किसी और कंट्री के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो जारी बात है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ ट्रबल या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी क्या है, कभी क्या, तो ये क्या है इनएक्यूरेसी और नॉइस, ग्रेटर नॉइस होता है इसमें, ठीक है। डिवाइस जो करें डिफरेंट डिवाइसेस लाइक रूटर्स, यानी रूटर, गेटवे, मैनेजेबल स्विचेस, मोडेम्स और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है इसकी यूज्ड होते हैं वैन में। तो उम्मीद करते हैं जी ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। कल जो हमारा इंशाल्लाह जो लेक्चर नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें होंगे डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे मैन MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कि ये क्या है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जो आज का आपने हमने जो पढ़ा है वैन आपको समझ आ गया होगा, समझ आ जाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको कितना समझ आया, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, और बेल आइकन बटन प्रेस करके हमारी यूट्यूब फैमिली के जरूर से बने। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, फिर मान लो।